हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइक इन्फॉर्मर। यामाहा अपना न्यू वेरिएंट लॉन्च करने का प्लान बना रहा है। नए वेरिएंट का नाम कंपनी ने R15S रखा है। नए नाम को रजिस्टर कराने के लिए यामाहा ने पहले ही एप्लीकेशन फाइल कर दिया है। R15S सीमित बजट वाले बायर्स को काफी पसंद आएगा। जानिए न्यू वर्जन की खासियत। USD फोक्स, क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी और नए कलर ऑप्शन जैसी सुविधाओं से लैस यामाहा R15 V4 और R15M पहले के V3 मॉडल की तुलना में काफी बेहतर है। इन नए अपडेट्स के चलते ग्राहकों के जेब से 10-20 हजार रुपए अधिक का प्रभाव भी पड़ सकता है। यामाहा अपना न्यू वेरिएंट लॉन्च करने का प्लान बना रहा है। नए वेरिएंट का नाम कंपनी ने R15S रखा है। यामाहा 2021 R15S की फीचर्स। यामाहा मोटर इंडिया ने नए वर्जन को रजिस्टर कराने के लिए यामाहा ने पहले ही एप्लीकेशन फाइल कर दिया है। इन नए वेरिएंट पर यामाहा लवर्स की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि वह अपडेटेड वर्जन को देखने के लिए एक्साइटेड हैं। R15S सीमित बजट वाले बायर्स को काफी पसंद आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई बाइक R15 V4 जैसी ही हो सकती है। बायर्स के जेब पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े इसको देखते हुए कुछ एडवांस फीचर हटाए जाने की संभावनाएं हैं। R15S को R15 V3 के अपडेटेड वर्जन के रूप में भी देखा जा सकता है। आपको बता दें, इससे पहले भी यामाहा ने R15 V2 में कुछ एडवांस फीचर हटाकर किफायती दामों में पेश किया था। कंपनी का कहना था कि ये उन बायर्स के लिए काफी फिट है जो ज्यादा एडवांस फीचर की तलाश में नहीं है। यामाहा 2021 R15S इंजन डिटेल्स। यामाहा R15S के इंजन की बात करें तो संभावना जताई जा रही है कि इस नए वेरिएंट R15 V3 की तरह के इंजन होंगे। इसमें नए R15 V4 और R15M की तुलना में थोड़ा अधिक पावर के साथ आने की उम्मीद है। नई R15 बाइक 155 cc SOHC लिक्विड कूल्ड 4 वॉल्व मोटर द्वारा संचालित है। यह 10,000 RPM पर 18.4 PS की मैक्सिमम पावर और 7,500 RPM पर 14.2 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। वहीं अगर हम R15 V3 की बात करें तो इसमें पावर और टॉर्क आउटपुट 18.6 BHP और 14.1 Nm है। तो क्या आपको भी इस बाइक का इंतजार है? जल्दी से कमेंट में हमें बताइए। और हाँ, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें।